are to find out the dimensional formula for L by RCV. इसके हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है, L by RCV जो ये formula है इसको जितना छोटा किया जा सकता है उतना छोटा कर लेते हैं. L as it is, R जो CV होता है ना ये Q के बराबर होता है. ये क्लास 12 के अंदर आता है, ठीक है भाई, फॉर्मूला है ये. अब ये L क्या है, L is the self induction, coefficient of self induction. R क्या है, रेजिस्टेंस, और Q क्या है, चार्ज. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, V is equals to IR. तो यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो V upon I, एक फॉर्मूला ये आ गया. अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो पोटेंशियल की ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दो. तो यहां से क्या आया, R is equals to वर्क पर यूनिट चार्ज इनटू करंट. ऐसा क्यों किया हमने, अभी पता चल जाएगा. देखो इसके अंदर पुट करना है L as it is, R, R की जगह हमने वर्क पर यूनिट चार्ज इनटू करंट, और यहां पे क्या है, ये चार्ज, ये Q, इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो गया. ये I डिवाइड के डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, तो L I by work done. अब ये इसको क्या बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है phi is equals to L I. ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस L I की जगह हम phi लिख सकते हैं by work done, और इस phi की जगह हम लिख सकते हैं B A by work. ये B A क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया है. मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, F is equals to Q V B. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग B आ गया F by Q V. क्लियर, हमने इसमें पुट कर दिया F into ये Q V नीचे, और ये एरिया है, एरिया को हम लेंथ into लेंथ लिख सकते हैं, और ये वर्क डन. फोर्स into डिस्प्लेसमेंट या लेंथ क्या होता है, वर्क डन. तो इस वर्क से ये वर्क कैंसिल हो गया, ये L है और ये Q by V. तो हमारे पास क्या बच गया, L upon Q V. चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT होता है, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का L T minus 1 होता है. T minus 1 से T कैंसिल, L से L कैंसिल, अकेला A बच गया डिवाइड में, तो ये ऊपर जाएगा, तो A inverse. हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ये ए इनवर्स. ये तो हमारा हो गया एक तरीका. इसका सेकंड मेथड क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला पता होने चाहिए. एल का क्या होता है, आर का, सी का और वी का. हम एल का निकालते हैं, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल्स टू एल आई. तो यहां से एल का फॉर्मूला क्या आएगा, फाई अपॉन आई. अभी हमने फाई के लिए क्या किया, बी ए, बी ए अपॉन आई, और बी ए क्या कर सकते हैं, एफ बाय क्यू वी इनटू एरिया, और इसके डिवाइड में आई, ठीक है. अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, एरिया का क्या होता है एल टू, चार्ज का ए टी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और आई का ए. तो यहां पे टी इनवर्स से ये टी कैंसिल, यहां पे एक एल से ये एक एल कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, एम वन एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू. ये हमारा फॉर्मूला आ गया एल का. सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली हम आर सी और वी का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं. ये मैं नीचे लिख देता हूं, तो हमारे पास दूसरे तरीके में V का फॉर्मूला क्या आएगा, V का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है M1 L2 T-3
ए माइनस वन। इसको हम डायमेंशनली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल को वर्क डन पर यूनिट चार्ज करके फोर्स की फॉर्म में लाके हम लिख सकते हैं। इसी तरह से रेजिस्टेंस, इसी तरह से कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। पोटेंशियल का निकल गया, सी निकालना है। इसको अगर हम ए टी से डिवाइड कर देंगे तो सी का फॉर्मूला आ गया। और आर वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, पोटेंशियल का आ गया। उसको सिंपल ए से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस का आ गया। जब हमारे पास एल का हो जाएगा, वी का, सी का और आर का, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे हमारा आंसर यही आएगा। ये दो तरीके हैं, ठीक है। डायमेंशन है म्यू नोट और ई नोट, म्यू नोट ई नोट रेस टू द पावर माइनस वन बाय टू, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, सी इज इक्वल टू वन बाय रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। और ये तो हमें गिवन है कि हमें इसी की ही डायमेंशन बतानी है। इट मींस इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, जो डायमेंशन सी की होगी। और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, नीट के अंदर आया हुआ है। अगर हमें ये सिंपल फॉर्मूला पता है, हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। है कि जो ओम है, इसकी जो डायमेंशन होगी, इनमें से किसकी डायमेंशन ओम के बराबर होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओम क्या होता है। ओम रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं वी अपॉन आई से। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज द करंट। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का फॉर्मूला होता है एम वन एल टू टी माइनस टू, और इसके डिवाइड में चार्ज को ए टी लिखा मल्टीप्लाइड बाय ए अगेन। सो एम वन एल टू टी माइनस टू है और एक और ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये आ गया आर का फॉर्मूला ओम का, ठीक है। अब इनमें से किसका फॉर्मूला इसके बराबर आएगा, तो हम एक एक को चेक करते हैं। एच एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब H के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला कौन सा है, तो H के लिए बेसिक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। और ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, फोटोन के चैप्टर में। हियर इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, H इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से H किसके बराबर आ गया, E बाय न्यू। एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टी माइनस वन। तो ये ऊपर जाएगा तो एम वन एल टू टी माइनस वन। एच का फॉर्मूला ये आ गया। अगर इस एच के फॉर्मूले को हम ई से डिवाइड कर दें, ई मीन्स ए टी चार्ज। अगर हम यहाँ पे एम वन एल टू टी माइनस वन को ए टी से डिवाइड कर दें, तो देखो यहाँ पे ए की पावर माइनस टू है, बट ये यहाँ ऊपर जाके ए की पावर वन करेगा। इट मीन्स ये फॉर्मूला हमारा सही नहीं हो पाएगा। अब एच स्क्वायर बाय ई, अगर हम एच के फॉर्मूले का स्क्वायर करते हैं, मीन्स एम टू एल टू टू का फोर हो गया, टी माइनस टू डिवाइड बाय ए टी। अब यहाँ से देखो टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस थ्री, ठीक है। एम एल की पावर टू भी ठीक है, बट यहाँ पे ए वन रह गया, यहाँ पे ए टू है, ये भी गलत। h by e square देखते हैं, तो h का फॉर्मूला क्या है, h by e square, h का फॉर्मूला है m1 l2 t minus 1। अगर इसको हम a square t square means e square से डिवाइड करते हैं, तो m1 l2 t ऊपर minus 1 था, ये और ऊपर जाएगा तो minus 3 हो गया, a 2 था ऊपर जाएगा तो a minus 2। क्या ये मैच कर रहा है, तो ये आंसर इससे मैच कर रहा है। इट मीन दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्या है, हमारे पास दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, ए एंड बी, और इनकी अलग अलग डायमेंशंस हैव डिफरेंट डायमेंशंस। इनमें से कौन सा रिलेशन मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल मतलब अगर हम वो ऑपरेशन करें
तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखो, हमने पहले डे वन वाले क्लास में किया था, हम किसी भी क्वांटिटी के अंदर उस क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं अगर वो सेम हो। मींस प्रेशर के अंदर हम प्रेशर को ही ऐड कर सकते हैं, प्रेशर के अंदर हम वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते हैं। अब ए और बी की डायमेंशन अलग अलग है तो हम ए के अंदर बी को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से हम ए में से बी को माइनस भी नहीं कर सकते। अगर ए और बी अलग अलग है, डायमेंशन अलग अलग है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। सो दिस आइडेंटिटी विल बी करेक्ट, ए बाय बी। यहां से आप ए मल्टीप्लाई बाय बी भी कर सकते हो, बट ये ऑप्शन में नहीं है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन।